मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मथर इंग्लिश मीडियम स्कूल स्टैंडर्ड फोर सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर सिक्स जंक सेलर। क्वेश्चन नंबर 10, मल्टीप्लाई इज पर एग्जांपल। अब जैसे एग्जांपल दिया गया है, हमें इसे मल्टीप्लाई करना है। 72 एंड 19, तो 72 इक्वल टू 17 प्लस 2, तो कितना होता है 72, 19, 10 प्लस 9 कितना होता है 19। अब एग्जाम्पल के जैसे 70 मल्टीप्लाई कितना करना होगा 10, एंड देन यहाँ पे कितना करना होगा 10 मल्टीप्लाई 2, उसके नीचे फिर ऐसे 17 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 2, या 2 मल्टीप्लाई 9 भी कर सकते हैं। 7 एंड 10 को मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा 700, 10 और 2 20, 17 मल्टीप्लाई 9 आंसर आएगा 630, 630, 2 और 9 का क्या आता है 18। अब हमें इसे प्लस करेंगे, 700 630 प्लस 20 प्लस 18। अब इसका अगर हम प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 1368। सेकेंड नंबर है 85 इक्वल टू 26। एटी फाइव ट्वेंटी सिक्स एटी फाइव इक्वल टू एटी प्लस फाइव ट्वेंटी सिक्स इक्वल टू ट्वेंटी प्लस सिक्स अब यहाँ पे एटी मल्टीप्लाई ट्वेंटी मल्टीप्लाई फाइव एटीन मल्टीप्लाई सिक्स फाइव मल्टीप्लाई सिक्स ऐसे एटी ट्वेंटी फर्स्ट फिर ट्वेंटी फाइव फिर एटीन एंड सिक्स और फिर फाइव और सिक्स। इसका आंसर आएगा 6000 16000 100 480 18 5 और 6 30। अब हम इसे प्लस करेंगे, हैंस 16,418,130। इसका आंसर आएगा 20 10 93 37 90 plus 3 30 plus 7 19 मल्टीप्लाई 30 30 मल्टीप्लाई 3 19 मल्टीप्लाई 7 3 मल्टीप्लाई 7 इसका आंसर आएगा 19 मल्टीप्लाई 30 इसका आंसर है 2700 30 मल्टीप्लाई 3 इसका आंसर है 19 19 मल्टीप्लाई 7 इसका आंसर 630 3 मल्टीप्लाई 7 इसका आंसर है 21। हेंस अब हमें इसको सबको प्लस करना है, forty six forty eight forty six equal to forty plus six forty eight forty plus eight forty multiply forty forty multiply six forty multiply eight
सिक्स मल्टीप्लाई एट, 14 मल्टीप्लाई 16,000, 14 मल्टीप्लाई 6, 240, 40 मल्टीप्लाई 8, 320, 4, 6 मल्टीप्लाई 8, 48. One hundred eighteen, twenty seven.